तो दोस्तों अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं एवेंजर्स एंड गेम को आने में, और इससे रिलेटेड स्पॉयलर्स और लीक्स आते ही जा रहे हैं दिन पर दिन। लेकिन अभी सबसे बड़ा एक बहुत मेजर स्पॉयलर आया है, वो ये है कि किसी ने एवेंजर्स एंड गेम की पूरी प्लॉट या कह पूरी की पूरी स्टोरी लाइन ही रिवील कर दी है रेडिट पे, और ये फ्रेंच रेडिटर है। जब ये रिवील किया पूरी की पूरी स्टोरी लाइन और प्लॉट, तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, फिर एक्सप्लेन हुआ कि क्या क्या हुआ एवेंजर्स से स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि एवेंजर्स एंड गेम में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। दोस्तों आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरी मूवी में क्या हुआ, लेकिन अगर ये सही साबित हुआ तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, और ये गलत साबित हुआ तो आप मज़े के लिए सुन सकते हैं। तो दोस्तों स्पॉयलर अलर्ट वार्निंग पहले से ही, क्योंकि ये वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें से कुछ परसेंटेज इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, क्योंकि रेडिट पे ऐसी ऐसी चीज़ें लीक होती हैं जो बाद में मूवी में एक्चुअल में दिखाई जाती है। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर अपना आप मूवी स्पॉयल नहीं करना चाहते तो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि मार्वल फैन स्पॉयलर से नहीं डरते हैं, तो दोस्तों अगर आप भी ट्रू मार्वल फैन है तो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है टाइटन से, या कहे टाइटन 2 प्लैनेट से, जहाँ पे थानोस बैठ के आराम कर रहा था और बहुत वो खुश था कि उसने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन आता है वही बेनेटार शिप का, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है और स्पेस में फंसी है। उसमें है टोनी स्टार्क और नेबुला। वहाँ पे नेबुला टोनी स्टार्क से कहती है कि हमारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। इस पे टोनी स्टार्क सोचता है कि अब जब मेरे पास इतना कम टाइम है तो एक मैं मैसेज रिकॉर्ड कर देता हूँ पेपर पॉट्स के लिए। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद टोनी स्टार्क को वही सेम मोटिवेशन मिलती है जो उसे केव में मिली थी आयरन मैन 1 मूवी में, और उसी मोटिवेशन की मदद से वो नेब्यूला के साथ मिलके बेनेटार शिप को बनाने लगता है। उसके बाद स्क्रीन पे आता है एवेंजर्स एंड गेम का लोगो। अगला सीन खुलता है एवेंजर्स हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे दिखाई देते हैं हमें कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, वॉर मशीन और ब्रूस बैनर। वहाँ पे लोग थानोस की बात कर रहे थे कि कैसे थानोस ने डिसिमिनेशन कर दिया। उसके बाद वहाँ पे दरवाजे पे एक नॉक आता है। वहाँ पे होते हैं एक शील्ड का एजेंट जो कि कैप्टन अमेरिका को वही पेजर देता है जो निक फ्यूरी के हाथ से गिर चुका था जब निक फ्यूरी डिसइंटीग्रेट हुए थे, और वो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि अब निक फ्यूरी नहीं रहे। फिर ब्रूस बैनर वो पेजर लेता है और उसको चेक करता है। चेक करने के बाद ब्रूस बैनर को ये पता चलता है कि वो पेजर किसी को सिग्नल भेज रहा है और साथ ही साथ उस पेजर की पावर कम हो रही है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका और रूडी स्नैप सपोर्ट ग्रुप में चले जाते हैं और बैनर और नताशा हल्क के बारे में बात करते हैं, जिस पर नताशा बैनर से पूछती है क्या वो हल्क को फिर से वापस ला सकता है। इस पर बैनर एक बार कोशिश करता है लेकिन हल्क वापस नहीं आता है। उसके बाद अगला सीन आता है वही सेम सीन जो हम लोग कैप्टन मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे थे, जिसमें वो पेजर सिग्नल भेजना बंद कर देता है और कैप्टन मार्वल आ जाती है और पूछती है फ्यूरी कहाँ है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका, नताशा, बैनर, रोडी सब लोग बताते कि कैसे थानोस ने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए और कैसे वो स्नैप कर दिए जिसकी वजह से डिसिमिनेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जिसमें टोनी स्टार्क और नेबुला बेनेटार शिप को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और किसी तरह अर्थ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रीयूनियन दिखाया गया है टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स के बीच में, लेकिन ये रीयूनियन ज़्यादा समय तक नहीं चलता है क्योंकि टोनी स्टार्क को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन खुलता है जहाँ पे कैप्टन मार्वल एवेंजर्स के साथ डिस्कस करती है कि कैसे थानोस को हराया जाए, लेकिन इस डिस्कशन में ना तो टोनी स्टार्क रहता है ना ही ब्रूस बैनर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन खुलता है बेनेटार शिप का, जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, रॉकेट रकून और वॉर मशीन। वो लोग उसी प्लैनेट पर जाते हैं जहाँ पे थानोस रहता है और लोग थानोस से लड़ते हैं लेकिन बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। एक 1-1 मैच भी दिखता है हमें कैप्टन मार्वल और थानोस के बीच में, लेकिन थानोस कैप्टन मार्वल को कैप्टन मार्वल की गर्दन से पकड़ लेता है, और लेकिन उसी समय थॉर कैप्टन मार्वल को आके बचा लेता है और अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की मदद से सारे एवेंजर्स को अर्थ पर ले आता है, लेकिन इस वक्त कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। फिर जब कैप्टन मार्वल अर्थ पे आ जाती है तो वहां पे ब्रूस बैनर टोनी स्टार्क की मदद से कैप्टन मार्वल को स्कैन करते हैं ताकि कैप्टन मार्वल में क्या वीकनेस है वो पता चल सके। उसके बाद ब्रूस बैनर को एक चीज पता चलती है कि वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉपी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उनके पास अभी इतनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं कि वो लोग एग्जैक्ट इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉपी बना सके। उसके बाद टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स के साथ चला जाता है। उसके बाद थॉर और कैप्टन मार्वल चले जाते हैं थॉर के जो बाकी बचे कुछ एसगार्डियन से उनको खोजने। रॉकेट रकून और ब्रूस बैनर एक साथ मिलकर किसी टाइम मशीन पे काम करते हैं। उसके बाद समय बीतता जाता है और कुछ साल बाद
स्कॉट लैंग अचानक एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में दिखाई देता है, जो कि टाइम वॉटर्स की मदद से क्वांटम रीम से बाहर आया है। उसके बाद धीमे धीमे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर टाइम ट्रेवल डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉपी बनाई जाए। उसके बाद एवेंजर्स ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉपी बनाएंगे। लेकिन जब वो लोग टाइम ट्रेवल कर रहते हैं तभी नेबुला बताते हैं कि सोल स्टोन लेने के लिए किसी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस पे स्टीव रॉजर्स बोलते हैं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत लोग को पहले ही खो चुका है। उसके बाद वो लोग दूसरा प्लान ये बनाते हैं कि जैसे पास्ट वाला थेनोस सोल स्टोन हासिल करेगा, हम लोग उससे लड़ के उसकी कॉपी बना लेंगे। तो लोग उसी समय में जाते हैं जिस समय थेनोस ने गमोरा का सेक्रीफाइस करके सोल स्टोन लिया था। यहाँ पे थॉर किसी तरह थेनोस को हरा देता है, लेकिन फिर थेनोस ने पावर स्टोन का यूज करके थॉर को हरा दिया। उसके बाद किसी तरह टोनी स्टार्क अपना एक नया डिवाइस निकालता है जिससे थेनोस कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। बाद में वो लोग सोल स्टोन की कॉपी बना के वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रेजेंट वाले थेनोस को पता चलता है कि उन लोग का एवेंजर्स के प्लान ये कि इन्फिनिटी स्टोन्स की वो लोग कॉपी बना रहे, वो एवेंजर्स हेडक्वार्टर पे पहुंच जाते हैं और क्वांटम रीम डिवाइस के पास बैठ जाता है जहां पे एवेंजर्स बस वापस आने वाले होते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत भयंकर लड़ाई देखने को मिलती है हमें एवेंजर्स हेडक्वार्टर पे। यहाँ पे कैप्टन मार्वल और थॉर स्टार्क का जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद किसी तरह जो ब्रूस बैनर है वो भी हल्क में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन थेनोस इस बार माइंड स्टोन का यूज करके ब्रूस बैनर यानी हल्क को एवेंजर्स के अगेंस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हल्क किसी तरह थेनोस के ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही साथ बाकी एवेंजर्स भी हल्क की मदद करते हैं थेनोस को हराने में। लेकिन किसी तरह थेनोस ने बाकी एवेंजर्स को हरा दिया अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से। उसने स्टार्क का इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में वो अपनी स्पीच देने लगा कि उसने स्नैप क्यों किया। इसी पे वॉर मशीन ने थेनोस पे प्रोटॉन कैनन से हमला कर दिया, लेकिन थेनोस स्पेस स्टोन का यूज करके वहां से बच के भाग जाता है। फिर बाद में टोनी स्टार्क को ये पता चलता है कि जो थेनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट था वो किसी टाइप के स्पेशल मेटल से बना था। तो थॉर बताता है ये स्पेशल मेटल उरू मेटल है जिससे मेयोनीर और स्ट्रॉन्ग बेकर बना है। उसके बाद थॉर टोनी स्टार्क को ये भी बताता है कि जब उसकी बहन हेला ने उसका मेयोनीर डिस्ट्रॉय किया था तो उसके टुकड़े अर्थ पे ही रह गए थे। तो किसी तरह टोनी स्टार्क और थॉर मैनेज करते हैं उस मेटल को वापस लाने में और टोनी स्टार्क एक नया इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना देता है। बाद में हल्क स्नैप को रिवर्स कर देता है उस नए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन के, जिससे सारे के सारे जो डेड सुपर हीरोज थे और हाफ ऑफ द यूनिवर्स था वो वापस आ जाता है। लेकिन इसी प्रोसेस में हल्क का एक हाथ चला जाता है। उसके बाद जब सारे के सारे जो डेड सुपर हीरोज थे वापस आ जाते, डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां पे आ जाते हैं और सारे के सारे सुपर हीरोज को थेनोस के पास टेलीपोर्ट कर देते हैं और सारे के सारे सुपर हीरोज थेनोस से लड़ते हैं। और इसी प्रोसेस में थॉर थेनोस पे फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार ना उसके सर पे हमला होता है ना उसके सीने पे हमला होता है, हमला होता है सीधे उसके हाथ पे और थेनोस का हाथ कट जाता है। और कैप्टन अमेरिका तुरंत भाग के वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन लेते हैं और थेनोस को किसी अलग जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं और उसी प्रोसेस में कैप्टन अमेरिका मर जाते हैं। फिर मूवी की एंडिंग होती है कैप्टन अमेरिका के फ्यूनरल से, जहाँ पे टोनी स्टार्क एक स्पीच दे रहा रहता है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बकी को दे दिया रहता है। उसके बाद हॉकर रिटायर हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। साथ ही साथ थॉर अपने बाकी एसगार्डियंस के साथ नॉर्वे में रह जाता है। उसके बाद ब्रूस बैनर भी अभी भी हल्क की पर्सनैलिटी पर रिसर्च करता है कि कैसे हल्क को कंट्रोल किया जाए। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक विडो अपने किसी दूसरे मिशन पर चली जाती है। उसके बाद कैप्टन मार्वल बाकी नए सुपर हीरोज को असेंबल करने में लग जाती है और साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आता है थेनोस का, वो उसे सैंक्टम सैंक्टम में ले जाके सेफली रख देता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टोरी एवेंजर्स एंड गेम की। लेकिन दोस्तों मुझे तो स्टार्टिंग की स्टोरी थोड़ी रियल भी लग रही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एंडिंग की एवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी की तो मुझे एंडिंग कुछ खास नहीं लगी। एंडिंग पूरी की पूरी फैन बेस है, फैन थ्योरी पे बेस है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका इतनी आसानी से मर नहीं सकते और कैप्टन अमेरिका का सेक्रीफाइस ऐसे होगा नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सब जो हो रहा है, ये सब जो फैन थ्योरीज आ रही, ये सब जो अलग अलग प्रेडिक्शन आ रही, वो कितनी सही हो सकती है? वैसे मेरे हिसाब से जो रूसो ने जैसा कहा, कोई भी एवेंजर्स एंड गेम को इतनी आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी एवेंजर्स एंड गेम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। तो चाहे कोई भी रीडर हो, कोई भी फैन हो, चाहे पूरी की पूरी स्टोरी डाल दे रेडिट पे, चाहे उसका पूरा पूरा ट्रांसलेशन हो जाए, चाहे पूरा का पूरा थ्योरी एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन फिर भी कोई भी एवेंजर्स एंड गेम की एक्चुअल एंडिंग को नहीं पता कर सकता, क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने भी अपने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि एवेंजर्स एंड गेम इतनी ज़्यादा शॉकिंग है, इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कोई भी एवेंजर्स एंड गेम को नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो दोस्तों होप
आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और उसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें सच हो सकती है लेकिन एंडिंग ऐसी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।